सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके ट्यूचर इन। दोस्तों आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ HDFC बैंक का नेट बैंकिंग ओपन कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको दिखाने वाला हूँ HDFC बैंक का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर अच्छा कर दो सब्सक्राइब करेंगे बैलिक लेटेस्ट वीडियो का नोट सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा या गूगल या क्रोम को। चलिए यहाँ से मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद इसमें आपको यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च बार में HDFC बैंक नेट बैंकिंग। आपको यहाँ पे सर्च करना है HDFC बैंक नेट बैंकिंग। जैसे सर्च करेंगे आपके पास वहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके यहाँ पर नेट बैंकिंग HDFC बैंक फर्स्ट में, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये फिर से आपको लोडिंग में, लोडिंग लेने के बाद देखिए मैं आपको जूम करके यहाँ पे साइड में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आपको यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी, यूज़र आईडी आपको कहाँ पे मिलेगा, कस्टमर आईडी कहाँ पे आपको मिलेगा, जब आपको वेलकम कोड मिलेगा इसके फर्स्ट पर आपको एड्रेस जहाँ पे होगा पन्नी आपका वहाँ पे गैपिंग होगा वहाँ पे एड्रेस लिखा, एड्रेस के ऊपर में आपको कस्टमर आईडी लिखा होगा, आपको पासबुक में लिखा होगा, चेकबुक में लिखा होगा, वही कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर डालना। कस्टमर आईडी डालकर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना, नहीं तो आप फॉरगेट यहाँ पे कस्टमर आईडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता नहीं तो फॉरगेट या कस्टमर आईडी कर सकते। चलिए फटाफट से यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल लेता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करना। आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए IPIN पासपोर्ट। यहाँ पे IPIN पासपोर्ट क्या मिलेगा, जब भी आपको वेलकम किट मिलेगा इसमें आपको दो तरह का, जैसे कि गुप्त एमपिन पिन होता है इसी तरह के ऊपर आपको और मिलेगा। इसमें आपको यूज़र आईडी का पासपोर्ट का नेट बैंकिंग का वो पासपोर्ट आपको यहाँ पर डालना है। चलिए फटाफट से मैं पासपोर्ट आपको यहाँ पर फिल करके दिखला दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे केस में पासपोर्ट यहाँ पे FI2B2B, ये मेरे केस में पासपोर्ट, वही पासपोर्ट आपको वहाँ पे डालना है, क्योंकि ये मेरा पासपोर्ट। अगर आपका जो पासपोर्ट वही पीस पासपोर्ट आपको वहाँ डालना, ये पासपोर्ट आपको नहीं डालना, क्योंकि ये मेरा पासपोर्ट, ये पासपोर्ट आपका वहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा। चलिए फटाफट से वो पासपोर्ट यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे। ये इसको कंसर्न देना है, कंसर्न देना आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे पासपोर्ट यहाँ पे गलत बतला रहा है। यहाँ पे देखिए दिस कस्टमर एड IPPN पासपोर्ट इनवैलिड, आपको पासपोर्ट यहाँ पे सही डालना है ताकि ये ले ले पासपोर्ट। सेंड करने के बाद आपको नीचे में एक यहाँ पे कैप्चा बॉक्स मिलेगा, ये कैप्चा बॉक्स आपको कैप्चा भरना है। जैसे स्मॉल लेटर में, कैपिटल कैपिटल में जैसे है सेम वैसे ही आपको वहाँ पे फिल करना है। चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ। ये मेरा कैपिटल में सबटो, जितना सबटो मैं कैपिटल में यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। ये डालने के बाद आपको फर्स्ट में लॉगिन पे क्लिक करना है। वो डालने के बाद ये देखिए यहाँ से ये पूरा तरीके से लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर जो मेरे वेलकम किट में पासपोर्ट है था वो पासपोर्ट वहाँ पे, वो पासपोर्ट वहाँ पे डाला तो नहीं लिया, पासपोर्ट मैंने वो डाला जो कि मैंने HDFC का वो पासपोर्ट वहाँ पे मैंने लॉगिन डाला था, वही पासपोर्ट डाला वहाँ पे लॉगिन, ये HDFC नेट बैंकिंग का हो गया। अब चलिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन और आपको यहाँ पे वो कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, तभी आप अनलिमिटेड कहीं पर पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अनलिमिटेड नहीं तो ये ट्रिक आप नहीं करेंगे तो आप कहीं पैसा नहीं भेज पाएंगे। चलिए वो ट्रिक क्या है मैं आपको इसमें दिखला देता हूँ। आपको यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र क्लिक करना पड़ेगा। फंड ट्रांसफर पर क्लिक करने वाले देखिए आपको यहाँ प्लेस वेटर, यहाँ पर कुछ समय आपको वेटिंग करना पड़ेगा। इसके बाद आपके मैसेज चेट खुल करके पास आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है UA नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस थर्ड पार्टी सर्विस, क्योंकि पहली बार मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करना है आपको यहाँ पे ये टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करें फिर से अगर वहाँ पर दूसरा चेट खुल आपके पास यहाँ पे आएगा, लिखा हुआ प्लीज़ सेलेक्ट एक्टिवेट डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के नंबर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ATM कार्ड का आपको CCV नंबर डालना पड़ेगा। चलिए CCV नंबर मेरा जो है यहाँ पे ATM कार्ड का जो पिन है वो पिन, सॉरी मैं जो ATM कार्ड का पिन है वो पिन आपको यहाँ पे डालना है। चलिए फटाफट ATM कार्ड का पिन यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। आपको यहाँ के जो डेबिट कार्ड की एक्सपायरी मंथ है वो एक्सपायरी मंथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए एक्सपायरी मंथ यहाँ पे जो ईयर वो सिलेक्ट आपको कर लेना है, आपको कितना ईयर वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे एक यहाँ पे मिरर है, इसको कट कर लेना है। यहाँ पे कट करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लीज़ कन्फर्म योर मोबाइल नंबर टू रिसीव टू ऑन टाइम पासपोर्ट, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टिक करना पड़ेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करें आपके मोबाइल पर वन टाइम पासपोर्ट है वो पासपोर्ट डाल आपको कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। दोबारा सब कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपके पास टू ऑप्शन यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, सिलेक्ट टाइम इमेज
कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है योर कैन सेलेक्ट एन इमेज फॉर नेम फॉर दिस सर्विस कंट्री। यहाँ पे आपको ऑल इमेजेस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बिजनेस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपके बिजनेस का कैटेगरी क्या है। ये जो मैं ऐप सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं होम एंड हाउस एंड होम सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपको जो सिलेक्ट करना वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करना कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करें यहाँ पे आपको एक यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे इसका आंसर होगा वही इमेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। चलिए फटाफट से मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करना है जिसका इसको कोई। यहाँ पे आपको आंसर देना है, जो आंसर देना चाहते हैं वो आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं। आंसर देने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू स्टेप टू पे क्लिक करना पड़ेगा। आंसर जैसे दिया यहाँ पे आपको देखिए आप यह चैट खुल कर गया। इसको यहाँ पे स्टेप एक एक नंबर करके यहाँ पे इसको आंसर देना है। यहाँ पे चलिए इसका मैं आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। जो आंसर देना चाहता हूँ वो फटाफट से जितना सब आंसर इसका आपको दे देना है कि एक स्टेप बाय स्टेप करके। जो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है वो क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर दे देना। चलिए आंसर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका। फटाफट से आपको जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है सारा क्वेश्चन देकर यहाँ पे इसका आंसर दे देना। चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देकर यहाँ पे अब आपको यहाँ पे नीचे में आपको क्लिक कर दूँ। चलिए सबका क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट मैं डाल देता हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपको यहाँ पे। आप साइड में आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू स्टेप थ्री पे क्लिक करना पड़ेगा। आपने आंसर तो दिया इसका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दिया इसका कंसर्ट देना आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने में देखिए आप यहाँ पे कंसर्ट आया हुआ है। मैसेज आ गया कंग्रेचुलेशन योर सक्सेसफुल रजिस्टर फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र बिल। यानी कि मेरा ये थर्ड पार्टी यहाँ पे मैंने जो स्टेप फॉलो करता हुआ मेरा सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे अनलिमिटेड आप किसी को यहाँ पे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पे कर सकते, रिचार्ज कर सकते हैं, कार्ड यहाँ पे डेबिट यहाँ पे ये सारी सर्विसेज यहाँ पे ले सकते हैं आप HDFC नेट बैंकिंग की तरफ से। आपने जितना क्वेश्चन सिलेक्ट करा था वो क्वेश्चन जब भी नेक्स्ट टाइम पासवर्ड बोलेंगे जितना क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करा वो क्वेश्चन का आंसर देंगे वो पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आपको यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे फंड ट्रांसफर या पे बिल से रिचार्ज यहाँ पे कार्ड्स डेबिट यहाँ पे मल्टीपल फंड यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे लोन यहाँ पे ऑफर ये सारी सर्विसेज का आप ले सकते हैं लाभ HDFC मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। आप यहाँ पे अनलिमिटेड कहीं पैसा ट्रांसफर कर आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। फ्री में आप यहाँ पे पैसा भेज सकते हैं। वेल यहाँ लिखे वेलकम मिल राजा यज्ञ यानी कि मेरे नाम से अकाउंट है ये इस मैंने अपने नाम से अकाउंट खोला है वो यहाँ पे शो करेगा। जिसके नाम से अकाउंट होगा उसका नाम यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे टाइम डेट आपको शो कर देगा। ये सारी सर्विस आप HDFC मोबाइल बैंकिंग के नेट बैंकिंग तरफ से ले सकते हैं। आपने देखा कि मैंने अपने किस तरह से HDFC बैंक में नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए। मेरे में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।